नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 9th क्लास का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। स्टार्ट करने के पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कुछ जो जानकारी है वह ले लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने दो लाइन ड्रॉ किया है। यह हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोलेंगे हम एक्स एक्सिस, और ये जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है उसे हम बोलेंगे वाई एक्सिस। यहाँ पे मतलब ये जो लाइन है एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई। अब ये जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस से जहाँ दोनों मिलते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। और ओरिजिन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वह एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो होता है। मतलब ये ओरिजिन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा जीरो जीरो होगा। अब यह जो x एक्सिस y एक्सिस हैं, इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यह सेकंड क्वाड्रेंट, यह थर्ड क्वाड्रेंट, यह फोर्थ क्वाड्रेंट। हम यह क्या एंटी क्लॉक वाइज यहाँ से जाते हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है, मतलब x भी पॉजिटिव होता है एंड y भी पॉजिटिव, दोनों मतलब दोनों क्या रहते हैं प्लस रहते हैं। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में जो x कोऑर्डिनेट हमारा माइनस होता है और y कोऑर्डिनेट क्या प्लस। देखिए यहाँ पे x हम देखते हैं x माइनस है और y हमारा क्या है प्लस है, तो माइनस और प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x पे भी माइनस है और y पे भी माइनस है, तो दोनों क्या रहेगा माइनस माइनस, दोनों निगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x हमारा पॉजिटिव है और y क्या है निगेटिव है, तो ये हमारा पॉजिटिव प्लस हो जाएगा और यह माइनस निगेटिव हो गया। मतलब इस तरह टोटल 4 क्वाड्रेंट है। यह हमें ध्यान रखना है कौन सा पॉइंट कहाँ पे आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव बोल रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, अगर दोनों निगेटिव बोल रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, अगर पहला x प्लस बोल रहा है और y माइनस बोल रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और पहला अगर माइनस बोल रहा है और सेकेंड वाला प्लस है तो किस में आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब सपोज़ करिए कभी कभी पॉइंट्स ना इस एक्सिस पे आ जाती है। सपोज़ करिए यहाँ पे 4 पे आ गई, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है 4 है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। और सपोज़ करिए कोई पॉइंट यहाँ पे वाई एक्सिस पे आ गई -3, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, बिकॉज वो एक्स पे नहीं मिल रही है केवल वाई पे है, तो 0 -3 उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये सब देखने के बाद हमें क्या देख लेते हैं पॉइंट कैसे प्लॉट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे पॉइंट प्लॉट करना है। यहाँ पे देखिए हमने कुछ पॉइंट लिए हैं जिसको हम इस ग्राफ पे पुट करके आपको बताते हैं कैसे इसको प्लॉट करना है। तो देखिए हमने दो एक्सिस ड्रॉ किया है, एक एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। दोनों का जो ओरिजिन हुआ 0 है, इस साइड में हमने पॉजिटिव नंबर लिया, इस साइड में नेगेटिव, और ऊपर पॉजिटिव लिया है नीचे नेगेटिव लिया है। यहाँ ध्यान दीजिए कि हम यहाँ 0 लेते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे ऊपर जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 4। कभी कभी बच्चे क्या है ऊपर से 1 2 3 4 ऐसा लिख देते हैं, गलत होता है। हमें 1 2 3 4 यहाँ से 0 के बाद यहाँ से स्टार्ट करना, इस साइड जाना ये इधर जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, हमें जो पॉइंट दिए गए इस पर प्लॉट करना है। देखिए पहला पॉइंट हमारा ए है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स दिया है 4 और वाई दिया है -5, तो एक्स पे 4 मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स पे 4 हो गया, लेकिन वाई पे क्या है माइनस है, मतलब हमें नीचे जाना पड़ेगा नहीं कि ऊपर। तो नीचे जाएंगे तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको प्लॉट कर देते हैं। 4 यहाँ से चला है और 5 यहाँ से भी चलेगा, जहाँ दोनों मिलेंगे वह हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट। ए लिख देते हैं 4, -5। देखिए ए यहाँ से 4 था एक्स पे और वाई पे कितना था -5, मतलब दोनों कहाँ मिले हैं यहाँ पे मिले हैं, हमारा ए है, ए का कोऑर्डिनेट 4, -5 लिख दिया। दूसरा बी है, बी एक्स पे कितना है -3, वाई पे कितना है 2, एक्स पे एक्स ये है -3 यहाँ पे है +2 वाई यहाँ पे है, तो ऊपर जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से 2 यहाँ जाएगा और 3 यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं बी जिसका कोऑर्डिनेट है -3 एंड 2, ये भी हमने प्लॉट कर दिया। इसी तरह सी है, सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, मतलब वो पॉइंट कहाँ पे होगा केवल वाई एक्सिस पे ही होगा, तो वाई एक्सिस पे कितना है -3, तो -3 देखिए वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है इस पर -3 यहाँ पे है, हम यहाँ अराउंड किए लिख देते हैं सी, और सी का कोऑर्डिनेट कितना है एक्स का 0 है और वाई का कितना है -3 है, हमने सी भी प्लॉट कर दिया। उसे डी का एक्स पे कितना दिया है -5 और उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, मतलब वो कहाँ पे होगा एक्स एक्सिस पे ही होगा केवल, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्सिस में -5 में, लिख देंगे डी -5, 0। इस तरह हमने 4 पॉइंट प्लॉट कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज अपना 7.1। सेवन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है,
स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट लाइज, मतलब जो पॉइंट दिए गए हैं कौन से क्वाड्रेंट में है या कौन से एक्सिस पे हमें बताना है। तो हमने देखिए यहाँ पे दो टेबल ड्रॉ किया है, एक कोऑर्डिनेट्स के लिए और एक क्वाड्रेंट और एक्सिस के लिए, मतलब हमें ये बहुत इजी हो जाएगी, हमें पॉइंट खाली बताना है कौन से क्वाड्रेंट में है तो कौन से एक्सिस में, इसलिए हमने टेबल के थ्रू ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए पहला पॉइंट हमारा ए दिया है -3 और 2, पहला नंबर हमारा एक्स जो है माइनस मतलब निगेटिव है और यह पॉजिटिव है, निगेटिव और पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। देखिए क्वेश्चन बी का बी में दिया है -5 और -2, दोनों निगेटिव है, अगर दोनों निगेटिव होता है किसमें होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। उसी तरह 3.5 और 1.5 दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव होता है तो किसमें होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट वन में यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए उसे डी 2 10 2, यस क्या है पॉजिटिव और वाई भी क्या है पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट 37 35, ये भी दोनों पॉजिटिव ही हैं तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट एफ का दिया है 15 -18, प्लस पॉजिटिव है और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव कौन से आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट जी का है पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव ये भी किसमें आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट एच का दिया है 0 और -, 0 को हमें आप पॉजिटिव लेते हैं इसको माइनस, पॉजिटिव निगेटिव कुछ बच्चे क्या है पॉजिटिव और निगेटिव लेके इसे किस में कर देते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन ये गलत है। एक्स पे हमारा क्या दिया है 0, एक्स पे 0 है मतलब वो किस पे होगा, केवल वाई एक्सिस पे ही होगा, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे होगा क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या दिया था, 0 दिया था। नेक्स्ट एन का 0 9, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सॉरी एम का 12 और 0, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या दिया है 12 है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, अगर वाई 0 है तो वाई पे तो होगा नहीं, वो कहाँ पे होगा, केवल एक्स पे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस। नेक्स्ट एन का 0 9, एक्स पे कितना है 0, लेकिन वाई पे कितना है, एक्स पे 0 है मतलब वो होगा कहाँ पे, केवल वाई एक्सिस पे ही होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे वाई एक्सिस। नेक्स्ट यहाँ पे एक्स 0 दिया है और वाई के कोऑर्डिनेट कितना दिया है 2.5, मतलब एक्स पे 0 मतलब होगा कहाँ पे, वो वाई एक्सिस पे ही होगा, तो ये भी हम लिख देते हैं वाई एक्सिस। अगला क्यू का -7 -3, दोनों निगेटिव, अगर दोनों निगेटिव आता है तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए जितने भी पॉइंट्स दिए थे हमने उसको क्या है, क्वाड्रेंट में और एक्सिस में डिवाइड कर दिया है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज, मतलब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया गया है जिसमें बता रहा पूछ रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट्स हैं। देखिए फर्स्ट हमारा है हुज़ बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, जिसका दोनों कोऑर्डिनेट मतलब एक्स भी और वाई भी दोनों क्या हो, पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव होते तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हुज बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर निगेटिव, जिसका दोनों कोऑर्डिनेट मतलब एक्स भी निगेटिव हो वाई भी निगेटिव हो, तो दोनों माइनस होते, कौन से क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमारा है हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, मतलब एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव है, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज निगेटिव, और वाई क्या है, निगेटिव है, मतलब प्लस और माइनस है, प्लस माइनस किसमें आएगा, फोर्थ में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट हमारा है हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज निगेटिव, जिसका एक्स क्या हो, निगेटिव है, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज, और उसका वाई क्या हो, पॉजिटिव है,
माइनस प्लस, माइनस प्लस किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखिए इस तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन द प्लेन एंड प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। मतलब हमें कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखिए, ये जो प्लेन हमने ड्रॉ कर दिया है, अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, जो भी पॉइंट दिए गए हैं उन्हें क्या करना है, प्लॉट करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट दिया गया है यल, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स है माइनस टू एंड वाई कितना है प्लस है, प्लस फोर दिया हुआ है। तो एक्स पे माइनस है, मतलब एक्स पे माइनस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और वाई प्लस है मतलब ऊपर जाएगा। मतलब यहाँ से हमने टू, टू यहाँ से जा रहा है और फोर यहाँ से, यहाँ पे मिलेगा। तो लिख दें हम यहाँ पे यल कितना माइनस टू एंड फोर, ये हमने फर्स्ट का ड्रॉ कर दिया, प्लॉट कर दिया है पॉइंट यल को, हमने यहाँ पे प्लॉट किया। दूसरा यक्स पे पॉजिटिव वाई पे पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा फाइव और सिक्स, फाइव देखिए यहाँ पे है यक्स से आएगा और सिक्स यहाँ से, ये हमारा सिक्स हो गया और यहाँ से हम फाइव को ड्रॉ करते हैं। आप लोग स्केल से अपनी क्राफ बुक में अच्छे से बनाइएगा। यह हमारा है पॉइंट यम, जिसका कोऑर्डिनेट कितना था फाइव एंड सिक्स, यक्स का फाइव था एंड वाई का सिक्स था। नेक्स्ट हमारा दिया है एन, जिसका दोनों कोऑर्डिनेट क्या है माइनस है, माइनस है मतलब कहाँ, थर्ड में होगा, यक्स भी माइनस थ्री है और वाई माइनस फोर है। चलिए माइनस थ्री यहाँ से यक्स से एंड वाई से यहाँ से माइनस फोर, जहाँ दोनों मिलेंगे वो हमारा कोऑर्डिनेट एन होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं एन माइनस थ्री कॉमा माइनस फोर। यहाँ पे प्लॉट, यह प्लॉट के लिए दिखाना जरूरी कि हमारे कौन सा पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, कहीं हमने गलत तो नहीं लिया है। जिसका P है, P का क्या दिया है, X पॉजिटिव है और Y निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव किस में आएगा, फोर्थ में आएगा। तो यहाँ पे दो यहाँ से चलेगा और थ्री यहाँ से, चलिए टू यहाँ से हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया और थ्री यहाँ से, दोनों यहाँ पे मिले, यहाँ पे लिख देंगे हम P टू कॉमा माइनस थ्री, ये हमने पी ड्रॉ पी प्लॉट कर दिया। अभी क्यू प्लॉट करना है, तो यह पॉजिटिव है और दूसरा वाला निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव मतलब इसी में आएगा, फोर्थ में आएगा। तो सिक्स यहाँ से हमने, यहाँ सिक्स आ रहा है और नेक्स्ट है फाइव, माइनस फाइव है तो नीचे ही रहेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे आया, इसको लिख देते हैं क्यू, एक्स पे कितना है सिक्स और वाई पे कितना है माइनस फाइव, ये हमने क्यू भी प्लॉट कर दिया। अगला यस प्लॉट करना है, यस का वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, मतलब वह कहाँ पे होगा, केवल एक्स एक्सिस पे ही होगा, एक्स एक्सिस पे सेवन यहाँ पे आएगा, प्लस सेवन है तो यहाँ पे आएगा। तो लिख देंगे यस सेवन कॉमा जीरो, क्योंकि वाई पे हुआ क्या था जीरो था, इसलिए वह एक्स एक्सिस पे ही रहेगा केवल। नेक्स्ट टी हमारा दिया है, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, मतलब वह कहाँ पे होगा, केवल वाई एक्सिस पे होगा और वाई एक्सिस पे कहाँ पे है माइनस फाइव, ये यहाँ पे आएगा। राउंड कर दिया हमने, इसको लिख दिया टी जीरो कॉमा माइनस फाइव। देखिए हमने सारे के सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, आप इसको ग्राफ बुक में अच्छे से बना लीजिएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया। हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।